सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे मसल स्पिंडल पे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। इसमें मेनली अपन क्या तो तुमको आना ही चाहिए, जो जनरली पूछा भी जाता है यूनिवर्सिटी में, वाइवा में, क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गेन। वैसे है ना, ये चैप्टर का नाम गाइटन में मसल स्पिंडल दे रखा है, लेकिन इसका नाम गोल्जी टेंडन ऑर्गेन भी होना चाहिए। मतलब इसको साथ में लिखना था गोल्जी टेंडन ऑर्गेन, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें बता रखी है ना। तो अभी आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको वो मतलब फिजियोलॉजी की सारी वीडियोस मिलेगी। गाइडेंस से मैं खुद पढ़ के वीडियोस बनाता हूँ। मेरा मतलब मेन मोटो यही है कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स देने, क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स देने, जिससे आपकी मतलब सब्जेक्ट वीक नहीं रहना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बेसिक्स होते हैं और फिजियोलॉजी तो आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है ना, तो आइए अपन शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़े रहे तो प्लीज नीचे जाके एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो शुरू करते हैं मसल स्पिंडल। और ये कंसेप्ट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। मसल स्पिंडल को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मसल स्पिंडल के बारे में देखते हैं। तो मसल के अंदर क्या होते हैं, दो मसल के मेन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब मसल सेंसरी रिसेप्टर्स है वो मेनली दो तरह के होते हैं। क्या? एक तो है ये मसल स्पिंडल, ये पहले तो ये ध्यान रखिए, ये एक सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है ना। और एक है गोल्जी टेंडन ऑर्गेन, ये भी एक सेंसरी रिसेप्टर है। आया समझ में? गोल्जी टेंडन ऑर्गेन। अब अपन देखते हैं कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये जो मसल स्पिंडल है ये क्या मतलब सबसे पहले तो कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड विद इन द मसल, ठीक है, विच डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है? चेंजेस इन लेंथ ऑफ मसल। कहाँ पे लोकेटेड है? मसल के अंदर। ये जब मसल की बात कर रहे हैं, कौन से फाइबर्स है? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। और डिटेक्ट क्या करेगा? लेंथ ऑफ मसल, ठीक है। और गोल्जी टेंडन ऑर्गेन वो क्या है? लोकेटेड एट मायो टेंडिनस जंक्शन, माय टेंडिनस जंक्शन पे, ठीक है, विच डिटेक्ट्स इंक्रीज इन टेंशन। आया समझ में? इसके अंदर क्या है, चीज पता पड़ेगी, इंक्रीज इन टेंशन। और कहां पे लोकेटेड है, ये दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है ना, माय टेंडिनस जंक्शन पे। और एक और बात याद रखेंगे, चलो वो बात तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि फिर आने वाली वीडियोस में इन सब कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। फिर मैं आपको बोलूंगा आई बटन पे जाके देखिए, फिर आपको लगेगा अरे यार बार बार कौन पीछे जाए। तो प्लीज वीडियो के साथ साथ ही चलिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल, अब क्या होता है, जो रिसेप्टर पोर्शन है ना ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर, मतलब इंट्राफ्यूजल फाइबर में ही तो है मसल स्पिंडल। तो इंट्राफ्यूजल फाइबर की कौन से हिस्से में? सेंट्रल रीजन। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर का सेंट्रल रीजन है ना, यही है मसल स्पिंडल, उसके अंदर ये मसल स्पिंडल। और इस रीजन की खासियत क्या है, ये देखना, ये आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, यहां कोई एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ही नहीं, ठीक है, इसलिए खुद स्ट्रेचिंग में जाते ही नहीं, खुद कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है, इसलिए डिटेक्ट कर लेते चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, इसके अंदर दो तरह की चीजें, दो तरह के फाइबर्स है। एक तो है न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, ठीक है ना, एक है न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। अब इसको बनाते हैं एक बार। देखिए, न्यूक्लियर बैक फाइबर्स में तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक साथ आके इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, जैसे यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर चेन में क्या होता है, न्यूक्लियस एक लाइन में अलाइंड रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और ये हो गया न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि
जो मसल स्पिंडल है, अभी अपन सबसे मसल स्पिंडल के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन के बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो मसल स्पिंडल है, इसकी दो तरह की सेंसरी एंडिंग्स होती है। दो टाइप की सेंसरी एंडिंग्स होती है, कौन सी? एक तो प्राइमरी अफेरेंट, एक होती है सेकेंडरी अफेरेंट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी अफेरेंट पहला पॉइंट, ठीक है। ये किसको एनसर्किल करेगी? एनसर्किल द सेंट्रल पोर्शन, जो सेंट्रल पार्ट इंट्राफ्यूजल फाइबर का, उसके अंदर भी सेंट्रल पोर्शन को एनसर्किल करती है। डायग्राम से भी बताता हूं आपको, ठीक है ना। और ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये क्या करता है? इनर्वेट वन और बोथ साइड ऑफ प्राइमरी एंडिंग, वन और बोथ साइड ऑफ प्राइमरी एंडिंग को इनर्वेट करता है, ठीक है। सेकेंड, एक्साइटेड बाय बोथ बैग एंड चेन फाइबर, जो न्यूक्लियर बैग और चेन फाइबर है, दोनों किससे एक्साइट होता है। और इसका सेकेंड पॉइंट, ओनली चेन फाइबर्स पे लगा होता है, वहीं से एक्साइट होगा, ठीक है। थर्ड, चलो पहले आपको ये दो बातें डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो प्राइमरी एंडिंग ये सेंटर में होती है, ठीक है ना, ठीक है। और ये दोनों जगह होती है, ये भी अभी मैंने आपको लिखवाया, ठीक है ना। ये प्राइमरी अफेरेंट है और सेकेंडरी वाला प्राइमरी के साइड में होता है और सिर्फ न्यूक्लियर चेन पे होता है, ये हो गया सेकेंडरी अफेरेंट। एक और बात, ये जो प्राइमरी अफेरेंट के फाइबर्स है ना, वो होते हैं टाइप वन ए। ये टाइप वन है, ये सब क्या चीज़ है ये मैं भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इस पे गार्टन ने डेडिकेटेड चैप्टर दे रखा है, उसके अंदर मेनली इसके बारे में बात करिए, मैं भी आपको तभी बताऊंगा, ठीक है ना। टाइप वन ए फाइबर, इसमें है टाइप टू फाइबर्स। लेकिन कंडक्शन मैं छोटा सा अगर ब्रीफली बताऊँ तो टाइप वन ए की जैसे मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होती है कंडक्शन की, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ डायमीटर्स के बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट ने। अब अपन देखेंगे इसके अंदर और आके डिफरेंस देखेंगे। ये क्या करता है? बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्पॉन्स देता है, समझे कैसे? पहले तो इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक रिस्पॉन्स मतलब अगर मसल स्लोली इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो प्राइमरी एफरेंट वाला एक्टिव हो जाएगा, और लेकिन अगर इसकी प्राइमरी एफरेंट वाला भी एक्टिव होगा और ये भी होगा, कौन सा? सेकेंडरी वाला, क्योंकि ये दोनों ही स्टैटिक रिस्पॉन्स देते हैं, इसे कहते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। डायनेमिक, झटके से अगर लेंथ में चेंज आया, सडन चेंज इन लेंथ, तो प्राइमरी वाला ही होगा, क्योंकि यही डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। और डायनेमिक वाला मेनली प्राइमरी वाले से, मतलब प्राइमरी वाला ही सिर्फ डायनेमिक वाले को कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये गामा एफरेंट, गामा डी, मतलब गामा डी मतलब गामा डायनेमिक फाइबर्स, ठीक है, तो वो इनर्वेट करता है इस वाले को, और ये इन दोनों को इनर्वेट करता है, कौन सा? गामा स्टैटिक इफरेंट। अभी गामा फाइबर्स क्या है, अब इसको वापस पूरा बताने की मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तुम लोग ना लाइन वाइज वीडियोस देखिएगा, वैसे मैं आई बटन पे तुमको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। मैंने ज्यादा कोई इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया, गाइटन की कंसेप्ट समझा रहा हूँ आप सबको, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, कंसेप्ट सीखिए, आप सबका बहुत फायदा होगा इस चीज में, ठीक है। तो वो आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। इसलिए ये जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल, अब ये क्या चेक कर रहे हैं? लेंथ, मसल की लेंथ में चेंज। तो ये स्पिंडल क्या करता है? इसलिए पॉजिटिव सिग्नल्स और नेगेटिव सिग्नल्स दे सकता है स्पाइनल कॉर्ड को, कि इस तरीके से एक्ट करो, स्ट्रेच बढ़ रहा है तो कम कर दो, कम हो रहा है तो बढ़ रहा। पॉजिटिव सिग्नल मतलब इम्पल्सिस जो है वो बढ़ा देगा, मतलब बेसिकली एक ही स्पीड पर डालता है वो इम्पल्सिस। लेकिन अगर पॉजिटिव देना है कि हाँ भाई मसल बहुत ज्यादा लेंथ में कम हो गई, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बढ़ा देगा टोनिसिटी मेंटेन करने के लिए। नेगेटिव सिग्नल्स इम्पल्सिस को क्या कर देगा? कम, तो फिर वो पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे भाई स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पॉजिटिव सिग्नल कब? जब स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी तो इम्पल्सिस ज्यादा देगा, इस तरीके से, ठीक है ना। नेगेटिव सिग्नल कब? जब स्ट्रेचिंग कम है तो इम्पल्सिस कम देगा, तो वहां से फिर वो स्पाइनल कॉर्ड बोले कि अच्छा टोनिसिटी बढ़ानी है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ाओ मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, आया समझ में। अब अपन देखते हैं अगला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। देखो मैं आपको स्टैटिक रिस्पॉन्स और डायनेमिक रिस्पॉन्स के बारे में बता चुका हूँ, पर मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। स्टैटिक रिस्पॉन्स कब काम करेगा? जब जो मसल है ना, मसल अगर स्ट्रेच होगी स्लोली तो काम करेगा स्टैटिक रिस्पॉन्स,
और डायनेमिक रिस्पॉन्स कब काम करेगा? डायनेमिक रिस्पॉन्स काम करेगा जब मसल स्ट्रेच होगी सडनली, तब काम करेगा डायनेमिक रिस्पॉन्स। डायनेमिक रिस्पॉन्स कौन करता है? प्राइमरी और स्टैटिक दोनों, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रंट एंडिंग से जाता है। ठीक है, अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, सिग्नल एवरेजिंग फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? अब होता क्या है, मसल स्पिंडल अगर नहीं होते ना तो क्या होता, मसल स्पिंडल है नहीं तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड को पता पड़ता नहीं कि कितना स्ट्रेच ज्यादा हो गया कि कम हो गया, तो जर्क आते ऐसे 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 करके जर्क आते। ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्शन कम होता, झटके से नीचे गिर जाता, बढ़ता झटके से नीचे गिर जाता, लेकिन क्या है, मसल स्पिंडल है तो क्या होता, जर्क नहीं आते, वो मेंटेन रखता है कि हाँ भाई जैसे ऊपर नीचे जाना तो वो फटाफट बताता रहता है कि हाँ भाई इतना स्ट्रेचिंग हो गया है, कम करना है ज्यादा करना है। ठीक है ना, जैसे आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, जैसे ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, यहां सेकेंड्स लिख देते हैं। ठीक है ना, अब यहां है स्टिमुलस, ये दो स्टिमुलस के बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा ए, ये बी। ठीक है ना, ए के अंदर क्या है, मसल स्पिंडल इंटैक्ट, नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, इंटैक्ट। बी मसल स्पिंडल अगर रिमूव कर दिया है अपन ने, अच्छा मसल स्पिंडल इंटैक्ट है, मसल स्पिंडल रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो यहां पे कैसा ग्राफ आएगा, जैसे यहां जहां पे है तो जैसा अगर ये कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो फिर ये ऐसे ही चलता है, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अगर ये चीज नहीं है, क्या नहीं है, मसल स्पिंडल, तो कैसा होगा, ऐसे। तो इसके वजह से क्या, कॉन्ट्रेक्शन झटके से ऊपर नीचे होता है, तो यहां पे क्या होता है, डैम्पिंग नहीं होती, नो डैम्पिंग इस कंडीशन में, जो कि होनी चाहिए, ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी सी डैम्पिंग, ठीक है, जो कि होनी चाहिए, वरना तो अपन काम कितना खराब हो जाएगा अगर मसल स्पिंडल नहीं होगा तो। ठीक है, अब रोल क्या है मसल स्पिंडल का इन वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में, एक तो आप समझ ही गए होंगे कि मसल कॉन्ट्रेक्शन को अच्छे से काम कराने में, ठीक है, प्रॉपर डैम्पिंग फंक्शन होने में, ठीक है ना, ये मैं लिख नहीं रहा, पर ये टॉपिक है गटर में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं, प्रॉपर डैम्पिंग फंक्शन कराएगा, अच्छे से मसल कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे, अब पढ़ने से पढ़ते हैं तो उसके बाद क्लिनिकल भी देखना ही चाहिए, ठीक है ना, जो गाइटन में क्लिनिकल बहुत अच्छे से दिए होते हैं, क्लिनिकल अब अपन देखेंगे। वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब पढ़ा ही दूंगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा तो कुछ छोड़ूंगा तो बता भी दूंगा कि इस वीडियो में डाला है, क्यों छोड़ा है, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लिनिकल देखेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स का, कि एक तो क्या है, जो नी जर्क अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, नी जर्क या कोई भी मसल जर्क, इससे क्या पता पड़ता है, सेंसिटिविटी पता पड़ती है, असेस द सेंसिटिविटी, मतलब अगर मसल स्पिंडल काम कर रहे कि नहीं कर रहे, मसल स्पिंडल की सेंसिटिविटी, जैसे मतलब ये तो तुमको पढ़ा होगा, नीट में भी पढ़ा था क्या, कि अगर एक हैमर लेके इंसान नी के पटेलर टेंडन पे मारेगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उनमें आएगा डायनेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पैर है वो आगे की तरफ किक करेगा, तो इससे सेंसिटिविटी पता पड़ती है। दूसरा एक और कंसेप्ट से क्या, कि अगर लार्ज लीजन्स हो जाएंगे कहां पे, इन मोटर कॉर्टेक्स में, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वहां पे होगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, किसी भी कारण की वजह से, लेकिन जो लोअर मोटर एरिया है, ठीक है ना, वो तो रहे तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना, जैसे लार्ज लेजन्स इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स बट नॉट इन द लोअर मोटर कंट्रोल एरियाज, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एग्जैगरेटेड मसल जर्क आ जाएगा, बट नॉट इन लोअर सेंटर्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्जैगरेटेड मतलब बहुत हाईली हाई लेवल का मसल जर्क आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब उसको कोई इनहिबिशन नहीं दे रहा है इसके लिए, इसलिए तो इस कंडीशन को अपन देख सकते हैं, जैसे अपन ने किया और मसल जर्क बहुत ज्यादा है तो अपन एक अंदाजा एक मतलब डायग्नोस का भी ऐसा नहीं होता एकदम फिक्स कर लिया, इस लाइन पे चल सकते हैं, हाँ कि मोटर एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और मोटर एरिया में ही क्यों, तो उस सब के कंसेप्ट जो वो ट्रैक्ट से जुड़े हुए, वो ट्रैक्ट अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्लिनिकल है क्लोनस, क्लोनस प्लीज इसे याद कर लीजिए, ये पूछ सकते हैं, जो सारे आंसर देता है ना वैभव में, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे क्या क्लोनस का मतलब क्या है, ऑसिलेशन ऑफ मसल जर्क, मतलब अगर मसल जर्क, ऑसिलेशन ऑफ मसल जर्क मतलब मसल ऐसे, वही वाला कंसेप्ट कि अगर मसल स्पिंडल अच्छे से काम नहीं कर, अच्छे से काम नहीं, इस बार क्या हुआ कि क्लोनस कब होता है, जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटाइज हो जाता है, मतलब हल्की से भी ज्यादा स्ट्रेचिंग हुई तो मसल स्पिंडल इतना जल्दी मतलब इतना ज्यादा रिफ्लेक्स दे रहा है कि उसकी वजह से वापस पूरा जर्क आने लग जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इसके अंदर तो डायग्नोस कैसे करते हैं,
कि एक जैसे जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, एक इंसान को ऐसे खड़ा कराता है अपने टेंडन पे, ठीक है ना। डायग्राम मेरे थोड़े से अच्छे नहीं होते, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये पैर है, ठीक है ना, अभी समझ गए ना। तो अब होगा क्या, जैसे वो इंसान को बोलेगा, ये जैसे एक पर्सन अपनी फिट पे खड़ा है, किसमें, टोज पे, सॉरी ना, तो जैसे वो उसको डॉक्टर बोलेगा पैर झटके से नीचे रखो, तो उसका पैर जैसे झटके से नीचे जाएगा ना, तो गैस्ट्रोनेमियस जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगी, तो झटके से ऊपर हो जाएगा वापस। मतलब वो उसके एंटागोनिस्ट में जाना चाहता है ना, स्पिंडल क्या करता है, जो हुआ उसके अपोज करता है उस चीज को, तो वापस जैसे वो नीचे आई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वापस को रिलैक्स करा के ऊपर ले लेगी, फिर वो जैसे हुआ तो वापस नीचे गिर जाएगा। ये तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मसल स्पिंडल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, ठीक है ना। तो है ना, इसकी वजह से, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं, ये मसल लेंथ है, ठीक है, और ये हम यहां पे मिली सेकेंड्स देखेंगे, ठीक है, मिली सेकेंड्स। पहले मैं आपको बताता, जैसे अपन ने यहाँ पे मारा था हैमर, एक नॉर्मल इंसान मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, हैमर, मैं आपको नी जर्क की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एक हैमर मारा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मसल लेंथ में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, बड़ी फिर वापस कम हो गई और फिर वापस नॉर्मल हो गई। क्यों, क्योंकि आपने वो जो मसल स्पिंडल है वो एकदम बराबर है। लेकिन अब क्लोनस में क्या होता है, ये होता है एंकल क्लोनस, जैसे एंकल क्लोनस, हाँ एंकल क्लोनस, जैसे, तो ये क्या हुआ, ये नीचे आई वापस गैस्ट्रोनेमियस, ऊपर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर नीचे गई, तो इस तरीके से क्या होता है, ये मसल जर्क चलता रहता है, इसे कहते हैं एंकल क्लोनस। आया समझ में, नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट्स में वापस बोल दीजिएगा, मैं आप कहोगे तो आपके लिए फिर वीडियो बना दूंगा, पर आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है ना, पढ़ना जरूरी है अपने लिए। अब लास्ट टॉपिक बहुत छोटा है, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। अब होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, ये मायोटेंडिनस जंक्शन पे, वहां से जाएगा, अगर जैसे ये एक्टिवेट हुआ फिर इनिबिट, ये इंटरन्यूरॉन के, इंटरन्यूरॉन पे जाएगा ना, तभी तो फिर एंटीरियर मोटर न्यूरॉन पे आएगा। तो जैसे ये हुआ, ठीक है ना, क्या था ये, गोल्जी टेंडन, ठीक है ना, गोल्जी टेंडन का टाइप 1 B होता है, ठीक है ना। अब ये आगे जाएगा, ठीक है ना, ये आगे जाएगा, ये कनेक्ट करता है इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन से, ठीक है ना, इनिबिटरी इंटर न्यूरॉन। अब इनिबिटरी इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को इनिबिट कर देते हैं और मसल इनिबिट हो जाती है, ठीक है ना, इनिबिट एंटीरियर मोटर न्यूरॉन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका एक मेन बात याद रखना, जो गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स है ना, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स वो एंटायरली इनिबिटरी है, पूरा इनिबिटरी है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लेंथनिंग रिएक्शन, लेंथनिंग रिएक्शन नाम से पता पड़ रहा है, सडनली इंक्रीज होना है, लेंथ का इंक्रीज होना है। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक एक मसल पे एक्सट्रीम टेंशन आ गई, मतलब बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करी, बहुत ज्यादा टेंशन आ गया, टेंशन उसमें बढ़ गया, तो क्या होगा, सडन इनिबिशन हो जाएगा, क्योंकि गोल्जी टेंडन ऑर्गेन तो इंक्रीज होता है, टेंशन तब एक्ट करते, तो सडनली इनिबिट कर देंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रिलैक्सेशन, तो इंस्टेंटेनियस रिलैक्सेशन हो जाएगा मसल का, इसे कहते हैं लेंथनिंग रिएक्शन, ठीक है। गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स का सेकंड फायदा क्या है, वो क्या करता है, इक्वलाइज, नहीं दिख रहा क्या, सॉरी सॉरी, इक्वलाइज कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स। अब मान लो कि एक इंट्राफ्यूजल फाइबर तो ज्यादा टेंशन, मतलब ज्यादा टेंशन हो रही है उसके अंदर, किसी में कम टेंशन हो रही है, तो ये क्या करता है, इक्वलाइज करता है उस कॉन्ट्रेक्शन को, तो टेंशन बराबर रहती है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, आपको हार्ड लगेगा ये चैप्टर, वैसे मुझे लग रहा है कि आप सबको थोड़ा हार्ड ना लगा ये चैप्टर, वैसे आसान है, आप चाहो तो वापस या तो वीडियो देख लीजिए, और बाकी इसमें इतना कुछ हार्ड जैसा है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है गोल्जी टेंडन और मसल स्पिंडल के बीच में डिफरेंस का, सिग्नलिंग एवरेजिंग इफेक्ट वो देख लेना, फंक्शन जिसमें डैम्पिंग दिखाया गया है, ठीक है। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्यों, क्योंकि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो गाइस आप सबके लिए ऑफर है कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी कुछ बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कुछ डाउट हो, कुछ नहीं हो, कुछ सजेशन हो, और गाइस प्लीज इसको दोस्तों को भी अपने शेयर जरूर करें, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी हो और आपको, मेरे को, सबको फायदा होगा, ठीक है। इससे तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक जरूर कीजिएगा, बाय बाय, धन्यवाद।